Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am Rida and I am a medical student from Capital Medical University, Beijing. मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए कराया है ताकि जो लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चल जाए. तो इट्स लाइक 2 o'clock इन चाइना, लाइक रात के टाइम में, एंड आई वॉज स्टडिंग. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर कर लेती हूँ. तो बेसिकली जब रोज़ा मतलब इफ्तारी के बाद और इशा की नमाज, इफ्तारी के बाद मैं थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, लाइक 1 पारा सुबह को और 1 पारा इफ्तार के बाद, ठीक है. और उसके बाद जब मैं 1 पारा पढ़ के फ्री होती हूँ, मतलब कि उसके बाद थोड़ी सी जैन से बात कर लेती हूँ, एंड देन ईशा का टाइम हो जाता है. फिर ईशा की जैसे ही अजान होती है ना, लाइक चाइना में टाइम है 8:36 और समथिंग, ठीक है. तो उसके बाद फ़ौरन ही मैं 8:40 तक मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो जाती हूँ, ठीक है. नमाज़ पढ़कर तरावी पढ़कर 8 तरावी पढ़ती हूँ. आई नो 20 पढ़नी चाहिए लेकिन मैं 8 पढ़ती हूँ. 8 तरावी पढ़कर और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मतलब चल फिर कर अपने कैट्स के साथ खेल कर, और 10:30 बजे या 11 बजे मैं बैठ कर स्टडी स्टार्ट कर दूँ. बट आज ये हुआ कि आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी बट देन मी एंड जैन वी वर टॉपिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्योंकि मेरा, इफ़ यू गाइज नो दैट, मेरा ब्रांड है रिदा जैन कॉस्मेटिक्स. तो उसके ऊपर हम लोगों ने सेल लगाई है रमदान की, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ. तो हमारी बातें वहाँ से निकलते निकलते पता नहीं कहाँ पहुँच गई, यू नो. तो उसके बाद हम लोग जी बातें करते रहे, जो हमने बातें की. उसके बाद 12 बजे मुझे ख्याल आया कि हाय, मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया. बट देन आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी एंड इट वॉज अ क्वालिटी टाइम, यू नो. समटाइम्स यू हैव टू टॉक टू योर फैमिली, यू हैव टू टॉक टू योर हस्बैंड, एंड आई थिंक इट वॉज ग्रेट टाइम. तो उसके बाद फिर मैं अपने रूम में ही, एंड जैन ने कहा कि आई वॉज लाइक कि मैं अब अपना पढ़ती हूँ, बहुत बातें हो गई, एंड देन ही वॉज लाइक कि मैं भी आपके साथ रूम में आता हूँ. एंड ही इज सिटिंग देयर लाइक इन फ्रंट ऑफ, आई विल शो यू गाइस, बेड के ऊपर बैठ के मतलब अपने लैपटॉप के ऊपर बिजी है, ही इज डूइंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट. अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर सहरी का टाइम होने लगा है. तो आई वॉज लाइक कि मैं आप लोगों को अपनी सहरी की रूटीन दिखा देती हूँ. तो मैंने यहाँ पर बैठ कर पढ़ लिया है लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स, और मैं अपना चाइनीज़ का जो है वो रिव्यू कर रही थी, मतलब स्टडी कर रही थी, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में क्लास मिस कर दी. अच्छा, मैं 7:55 पर उठी, हमारी 8 बजे क्लास थी, क्योंकि मैं पूरा रात मतलब मैं जागती रहती हूँ, और हम फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं. तो हुआ ये कि मैं उठी हूँ लाइक 7:55 पर, हमारी 8 बजे क्लास थी. उसके बाद फिर मैंने कहा कि अभी तो 5 मिनट्स हैं ना, अलार्म लगाया 7:55 का, और उसके बाद आई वाज लाइक कि अभी 5 मिनट्स हैं, सो आई कैन स्लीप लाइक मोर 5 मिनट्स एंड देन आई विल वेक अप. और जो लास्ट 5 मिनट्स थे उनका अलार्म लगाना भूल गई, लाइक सीरियसली रिदा, आई मिस दैट क्लास. एंड आई वॉज लाइक कि चलो अब मैं मेकअप कर लेती हूँ, यू नो, ये वाला मेकअप नहीं, अपनी क्लास का मेकअप जो मैंने सुबह मिस की, तो मैं वो कर रही थी. और उसके बाद फिर बस अब हाँ, एक और बात देखिए, मैं साथ साथ बहुत सारा पानी पी रही हूँ. जैसे ही आप इफ्तार करें, इफ्तारी करने के बाद एक तो टिप ये है कि इफ्तारी में आपने बहुत सारा नहीं खाना, यू डोंट नीड टू लाइक ईट अ लॉट ऑफ समोसे पकौड़े एंड ऑल दैट स्टफ. आप खा सकते हैं चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरह की चीज़ें ना खाएं, यू गाइज कैन ईट, बट लाइक थोड़ी क्वान्टिटी में, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड. अगर आप बहुत सारे पकौड़े, बहुत सारे समोसे और बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो आपसे ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही आपसे मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाएगी. तो मैं और जैन क्या करते हैं कि हम लोग सहलब जो मैंने बनाया था उसकी मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी. ओके, सो इट्स लाइक अरबिक एंड टर्किश डेजर्ट, तो बहुत मज़े का होता है. तो हम लोगों ने वो पिया, उसके बाद एक हमारी डेट्स नहीं थी, खजूरें नहीं थी हमारे पास, सोचे जरा, चाइना में पहले की पड़ी हुई थी और जब से खोला तो वो ख़राब हो गई थी. तो फिर जैन ने न्यू ऑर्डर की और वो आज हमें रिसीव हुई चीज़ें ना. तो उसके बाद फिर हमने वो खजूर से रोज़ा खोला, एंड देन डेट्स के बाद वी हैड लाइक सहलब, और सहलब के बाद आज हम लोगों ने पकौड़े बनाए थे जो कि हमने मतलब थोड़े से खाए, और उसके बाद हमने नमाज पढ़ी, फिर हम वापस आए, फिर हमने एक रोटी खाई मैंने और जैन ने. वैसे मेरा बहुत दिल चाहा था आलू वाला पराठा खाने को, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इफ्तार सिंपल हो तो आप सहरी में अच्छी चीज़ खा सकते हो, मतलब चटपटी या पराठा वगैरह. अगर आपने इफ्तार में समोसे पकौड़े और रोल्स खाए हैं तो आप जो सहरी है उसको थोड़ा सा लाइट कर दें. तो अब हम लोग आपको अपनी सहरी दिखाते हैं, एंड या दिस इज़ माई टेबल. आई वॉज सेइंग कि आप लोग बहुत सारा पानी पिएं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है. डेफिनेटली आप पूरा दिन रोज़ा रखते हो तो आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको पानी पीना है, लाइक थोड़ा थोड़ा करके पीना है, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप लेकर, लेकिन इसको आप पीते रहें लाइक कंटिन्यूसली. आफ्टर 5 मिनट्स फिर 1 सिप, फिर 10 मिनट्स के बाद फिर 1 सिप, इस तरह से. बाकी आप मुझे बताइएगा कि आप अफ्तारी और सहरी में क्या खा रहे हैं. बाकी अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो यू गाइज नो दैट कि मैं किस तरह से कुकिंग कर रही हूँ और डेली हमारी सहरी और अफ्तारी में क्या होता है. और ये देखिए जी, ये जैन साहब बैठे हुए हैं और ये वर्क कर रहे हैं. और ये जो आप रिमोट देख रहे हैं, बेसिकली ये इस हीटर का रिमोट है. आई वाज लाइक के अगर मुझे कहाँ कह ये रहा, अगर मुझे सर्दी लगेगी तो मैं हीटर ऑन कर लूँगी. एंड दिस इज मी इन माय पजामास. हेलो. तो जी ये देखिए हमारी रोटी बन रही है और हमारी सहरी उसके बाद रेडी. आज हम लोगों ने आलू अंडे बनाए हैं,
जैन ने बनाए थे इफ्तार टाइम में, जो कि सहरी के लिए हमने बनाए थे बेसिकली। और अब ये देखिए रोटी हमारी गोल गोल रोटी तैयार है, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद ऐसे, ये देखिए जी। और ये लिली जो है ना ये बहुत क्लेवर है, ये यहाँ पर बैठ के हम लोगों को देख रही है। लिली लिली इसको इतनी नींद आई हुई है ना, लेकिन हमारे साथ जाग रही है। तो ये है जी हमारा आलू अंडे का सालन, और उसके बाद हम यहाँ पर ये योगर्ट लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा प्यास नहीं लगे। और ये मेरा इफ्तार में जो है वो सहलब बच गया था, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और जो रेसिपी है वो मैं इसी वीडियो के एंड में आपको लगा दूंगी कि सहलब जो है वो बहुत ईजिली विद इन 10 मिनट्स आप कैसे बना सकते हैं। अजान हो चुकी है और सहरी जो है वो बंद हो गई है, मतलब टाइम ख़त्म हो गया है, और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, जैन वज़ू करने गए हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, और उसके बाद आई थिंक मैं 9 या फिर 10 o'clock मैं उठूँगी, और उसके बाद कुरान पाक का एक पारा पढ़ूंगी। ओके, तो सहलब के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल्क चाहिए, इसको आपने बॉईल करना है। और यहाँ पर मैं ये कॉर्न फ्लावर ले रही हूँ, या देखिए 3 स्पून्स, ये मैंने 3 स्पून्स ऑलरेडी प्लेट में डाल लिए थे, और इसको सेपरेट कर रही हूँ इस बॉल के अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं क्योंकि इसके अंदर हम वाटर डाल के मिक्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून जो है वो ले रही हूँ शुगर के। मिल्क जो है वो मैंने 2 बड़े वाले पैकेट जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 देखिए आपने मैंने शुगर ले लिया। उसके बाद ये रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर से बहुत ही खूबसूरत खुशबू भी आती है और बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है, तो आपने वो 1 स्पून जो है इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये रोज़ वाटर मैंने चाइना से ही लिया था, एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक, आप लोग कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट फेस वाला नहीं हो। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर शुगर इसके अंदर मिक्स कर दी, और मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स मिक्स करके आपने इसको स्टिर करना है, इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखिए जो मैंने कॉर्नफ्लावर था उसके अंदर वाटर डालकर, और मैंने उसको एक मतलब लिक्विड सा बना लिया, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना, और साथ साथ आपने स्टिर करना है। तो बस यहाँ पर टिप जो है वो ये है कि आपने इसको साथ के साथ मिक्स करना है, और एकदम से बहुत सारा नहीं डालना। अगर आप एकदम से बहुत सारा डाल देंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें डालना है वनीला एसेंस, तो इसके आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, ये बहुत कम निकल रहा था मेरे इसमें से बॉटल में। उसके बाद यहाँ पर मैंने आमंड को एंड पिस्ताशियोज़ जो है उनको क्रश करके रख लिया था, और उसके बाद इसके टॉपिंग पर जब ये ठंडा हो गया इसको मैंने जार में जो है मिल्क को डाला, और ये इसकी बहुत ही खूबसूरत सी कंसिस्टेंसी होती है जो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है ना पतला होता है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने पिस्ताशियो रख दिया, उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया 2 आवर्स के लिए, उसके बाद निकाला तो बहुत मज़े का था। ये थी जी हमारी इफ्तारी, और आप मुझे बताइएगा आप इफ्तारी में क्या क्या खाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय बाय। सो हियर इज़ द रॉ वीडियो गाइज, दिस इज़ हाउ चाइना इज़ लुकिंग राइट नाउ, चेक आउट द स्काई, सो ब्यूटिफुल, स्टनिंग, राइट, माशाल्लाह, माशाल्लाह।